पीएम मोदी ने दबाया बटन, योगी ने दिखाई हरी झंडी, ताज नगरी आगरा में दौड़ पड़ी मेट्रो। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगरा मेट्रो के पहले कॉरिडोर का वर्चुअल शुभारंभ कर दिया है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्रेन को हरी झंडी दिखा दी है। कार्यक्रम के लिए उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी कि UPMRC ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। आगरा के इस कॉरिडोर में 6 मेट्रो स्टेशन हैं, जिसमें 3 एलिवेटेड और 3 अंडरग्राउंड है। जानकारी के लिए बता दें कि आगरा के इस कॉरिडोर में कई मेट्रो स्टेशन पर अब लोगों को सुविधाएं मिल सकेंगी। दरअसल अब आगरा में ताजमहल, आगरा फोर्ट, मनकामेश्वर और जामा मस्जिद जाने के लिए मेट्रो की सवारी की जा सकती है। इन मेट्रो स्टेशनों के नाम ताजमहल ईस्ट, कैप्टन शुभम गुप्ता, फतेहाबाद रोड ताजमहल और मनकामेश्वर मंदिर होंगे। मेट्रो के चलने का समय सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक होगा। आम पब्लिक 7 मार्च से मेट्रो में सफर कर सकेगी। ट्रेन में सफर सुबह 6 से रात 10 बजे तक का किया जा सकेगा। मेट्रो स्टेशनों को ब्रज की थीम के अनुसार पेंटिंग से सजाया गया है, जो भारतीय संस्कृति और उत्सव के साथ साथ स्थानीय मंदिरों की भी झलक देंगी। आगरा मेट्रो में 1 किलोमीटर के सफर के लिए 10 रुपए, 1 से 2 किलोमीटर के सफर के लिए 15 रुपए और 2 से 6 किलोमीटर के लिए 20 रुपए चार्ज किए जाएंगे। यात्रियों को मेट्रो स्टेशनों पर केवल 20 मिनट ठहरने की अनुमति होगी। आगरा मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के कॉरिडोर की लंबाई 29.4 किलोमीटर है। पहला कॉरिडोर ताज ईस्ट गेट से सिकंदरा तक 13.7 किलोमीटर होगा। जी हाँ, दूसरा कॉरिडोर आगरा कैंट से कालंदी विहार तक 15.7 किलोमीटर लंबा होगा। ये पूरा कॉरिडोर एलिवेटेड है, जिसमें 14 मेट्रो स्टेशन शामिल हैं। इन सभी मेट्रो स्टेशन रिजेनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम से ये लैस होंगे। इसमें 35% ऊर्जा की बचत होगी। मेट्रो ट्रेन में कार्बन डाइऑक्साइड बेस्ड सेंसर भी लगे होंगे। इतना ही नहीं, मेट्रो में सवारियों के बढ़ने पर इन सेंसर्स से तापमान भी नियंत्रित हो सकेगा। मेट्रो ट्रेनों का प्रबंध और संचालन वर्ल्ड क्लास मेट्रो डिपो से किया जाएगा। उप प्रबंधक ने बताया कि मेट्रो ट्रेन के 6 किलोमीटर ट्रैक में 3 भूमिगत स्टेशन का निर्माण रिकॉर्ड 11 महीने में पूरा हो गया है, जहां फिलहाल आगरा वासियों को यानी कि ताज नगरी में लोगों को बेहद खुशी है कि अब ताज नगरी में भी मेट्रो दौड़ेगी और लोगों को जाम की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऐसी ताज़ा तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहें पंजाब केसरी.com और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।